गाइस इसके अंदर हमारी गाय और भैंस पानी पी, ये देखो ये चल रही है आगे, ये हमारी खेत है, मंदिर है माता जी का। तो ये देखिए हम चल रहे नीलगिरी फार्म हाउस पे। तो अभी बहुत कल परसों बहुत तगड़ी बारिश आई थी, तो यहाँ पे पानी पानी हो गया था, अभी तो सूख गया। तो आपको आगे और चल रहे आगे मिलाते आगे चल रहे नीलगिरी फार्म हाउस में। तो गाइस ये खेत के अंदर ही माता जी का मंदिर है, तो ये बहुत सदियों पुराना है। तो आगे देखो, तो ये गाइस ये आदमी आ रहा है ना बहुत तल्ले के, ये बहुत बड़ा चोर है, ये रातों रात भैंसों को उठवाता है। तो आपको इनसे मिलाते अभी आ रहा है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। तो देखिए ये आ गया हमारे पास, तो हमारे आसपास के जितने भी खेत है इनमें मूंगफली है, इनमें भी मूंगफली है, तो इनकी निगरानी कर रहे हैं आगे। देख आगे जाके आपको दिखाता हूँ, ये रोड अभी पहले अभी नहीं बनी है, पहले तो इस पे रोड ही नहीं थी, कांकरे वगैरह थे यहाँ पे। ये तो हमारी तावर की भैंस है, और आगे भी हमारी है, ये आगे दिनेश भाई एर की है, वो आगे जा रही है। तो आपको वहाँ पे नीलगिरी फार्म हाउस पे जाके मिलाती है आपको सभी को। ये पहलून भैंस है और ये गाय अभी भी एक महीना आया है, इसके एक बछड़ा है खेलडा ब्लैक रंग का, ये रिंडी प्योर गिर गुजराती गाय है, और ये हमारी ताऊ अंकल एर की गाय है, ताऊ अंकल एर की। तो ये खेत यहाँ पे तो क्या है, पहले ही जमी बच गई थी, ये तो गौचरा है, वापस इसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है, इसके अंदर बाजरा है, इसके अंदर ही बाजरा है। तो गाइस ये ब्लॉक अच्छे से नहीं बन पा रही क्योंकि आगे धूप आ रही है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। पीछे कितना साफ दिख रहा है, देखो कितना मस्त दिख रहा है ना पीछे। तो ये देखो आगे नीलगिरी फार्म आ गया हमारा। तो ये देखो तो देखो कितनी सारी भैंस है और गाय इनके अंदर ही। तो आगे देखो आगे बहुत बड़ा नीलगिरी फार्म है, यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा।